तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को अपना स्टूडियो सेटअप दिखाऊंगा, स्टूडियो सेटअप नहीं डिश सेटअप। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे पास कितनी छतरियां हैं, मेरे पास सेटअप वर्क्स कितने हैं और मैं कैसे शूट करता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फिल्म्स। दोस्तों मेरे पास मैं अलग अलग सेटेलाइटों को सेट करने के लिए अलग अलग सेटअप बॉक्स यूज करता हूं। जैसे कि अगर मान लो मुझे कभी डीडी फिल्म्स के चैनल्स को दिखाना हुआ, MPG-2 लगा देता हूं, कभी MPG-4 लगा देता हूं, कभी माइक्रोमैक्स का सेटअप बॉक्स है उसे मैं लगा देता हूं, कभी मैं ड्यूरो स्टार, कभी सॉलिड, कभी क्या कभी क्या कभी क्या लगा देता हूं। और उसके बाद से जिनके पास ये सब सुविधाएं नहीं है तो जाहिर सी बात है दूसरों से ही मांगते होंगे। जब हमारे पास आप देख सकते हो 6 फीट की छतरी ये है, छतरी को मैंने ऐसे किया है, प्लस 3 फीट की है, 4 फीट की उधर रखी है, 2 फीट की वो छतरी है, तो मुझे मांगने की किसी से वीडियो की क्या ज़रूरत है। जहाँ तक घर के अंदर दिखाने की बात है तो घर के अंदर टीवी लगा के टीवी के सामने आके दिखाने से फ़ायदा मुझे कुछ नहीं है। कारण ये है कि घर के अंदर हम दिखाएं तो फ़ोटो भी क्लियर नहीं आती है, और जो बात है इजी कैप लगा के मैं जो भी चैनल्स हैं मैं दिखा देता हूँ। सारे सेटअप बॉक्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आप यहाँ पे दिखाओ कैमरे से, इसके अंदर दिखाओ, ये सारे सेटअप बॉक्स हैं। ये ड्यूरो स्टार का है, ये भी है कंपनी का, ये MPG-2 शॉट सेटअप बॉक्स है, ये एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स है, ये आप देख सकते हो माइक्रोमैक्स का है सेटअप बॉक्स, ये देखो इसे दुबई से मंगवाया था, ये सॉलिड का है, बहुत पहले इस पर वीडियो देता था, अब मैं इसकी वीडियो नहीं देता हूँ। बाकी MPG-2 वाला है जिसको मैं छत पे रख के मैं सेट करता हूँ, इससे तरह तरह की सेटेलाइट है। उसके बाद से इसी के ज़रिए मैं जो MPG-2 में दिखाना होता है इसमें से दिखाता हूँ। बाकी ASG के हमारे पास ये 2 सेटअप बॉक्स पड़े हुए हैं। बाकी ये भी है मेरा टेक्नो सेट, सऊदी अरबिया से मंगाया था। बाकी ये है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 अभी हाल फिलहाल में तो 11 ही बॉक्स हमें दिख रहे हैं। तो दोस्तों आप हमको बताएं कि मुझे वीडियो किसी से मंगाने की क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों अब आप लोगों ने ये सारे बॉक्स को देखा, अब मैं इस छतरी को मैं खड़ी करूँगा, क्योंकि क्वेश्चन करने वाले का कोई ठिकाना नहीं होता है, वो कुछ भी कह सकते हैं, कहेंगे वो ये तो अपनी 4 फीट वाली छतरी दिखाया था, तो अभी हम इसे खड़ा ही करते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि मैं ये सेटअप बॉक्स ख़रीदता हूँ, वो सेटअप बॉक्स खरीद के लाके मैं वीडियो बनाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब वो होते हैं मुफ्त वाले सेटअप बॉक्स होते हैं, लोगों को मिलते हैं, और ये सेटअप बॉक्स जो हैं जितने भी आप लोगों को दिखे हैं ये सब अपने दम पे हैं, अपना पैसा खर्च करके इतना सेटअप, चाहे एंटीने का हुआ चाहे किसी भी चीज़ का हुआ, अभी तो सिर्फ इतना मैंने दिखाया है, ठीक है, ये सब अपने दम पे मैंने किया है। और बाकी और लोगों का क्या है, कहने वाले लोग तो बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं मैं कहता किसी को, आप 4 फीट की छतरी ही दिखा दो अपने घर में, जब रहने के लिए किराए के मकान में रहते हो भाई तो छतरी कहाँ लगा पाओगे। कहने का मतलब यही है कि आप जब किराए के मकान में रहते हो तो कहाँ छतरी लगा पाओगे, और जो किराए मकान मालिक होगा भगा देगा, कहेगा ये सब छतरी क्यों लगाया, और जब खुद का मकान होगा तभी तो लगा पाओगे, चाहे जितनी बड़ी छतरी लगाना हो लगा लो, ठीक है, चाहे जितना सेटअप रखना हो रख लो। तो दोस्तों कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि अगर आप कहीं किराए के मकान में रहते हैं तो आप बड़ी छतरी नहीं लगा पाओगे, अपना खुद का मकान है तभी लगा पाओगे, जहाँ पे अगर किराएदार है मकान मालिक है तो वो कहेगा भैया ये सब छतरी छतरे वाला खेल मत खेलो, जाओ मकान खाली करो दूसरे के वहाँ जाओ,
ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अब जाहिर सी बात है जो भाई किराए के मकान में रहता है तो वो दूसरे से वीडियो मांगेगा ही, जब वो उसके पास कोई सेटअप ही नहीं है, वो उसे कुछ मालूम ही नहीं है, तो भाई वो दूसरे से मांगेगा ही, ठीक है। अब हमसे मांग लेगा, फलाने से मांग लेगा, कहीं सऊदी अरबिया से मंगा लेगा, ठीक है। तो अब उसको दिखाना भी है, क्योंकि भाई अब लालच है पैसे का, है ना, अब पैसा कमाना है ना। तो कुल मिला जुला के बाकी की जानकारी आपको मिलेगी हमारे दूसरे चैनल पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहाँ पे थोड़ा सा अस्पष्ट शब्दों में खुल्लम खुल्ला वहाँ पे बातचीत होती है, अच्छी तरीके से होती है। अब खैर ये चैनल फेमस चैनल है, यहाँ पे ज़्यादा चीरहरण करने से फ़ायदा है नहीं, है ना। तो चलिए अब इसको खड़े खड़े हम इसको भी दिखा देते हैं, कैमरा कट करें। तो दोस्तों ये हमारी रही 6 फीट की छतरी, सॉलिड कंपनी की है, बाकी ये हमारे छोटे से नमूने रखे हुए हैं। इन्हीं के ज़रिए जो भी चैनल लिस्ट की वीडियोज होती हैं वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं। और उसके बाद से ये है इन्वर्टो LNB, जिसके ज़रिए कुछ ऐसी सैटेलाइटें होती हैं जिनका कवरेज कम होता है, तो इससे थोड़ा सा वो होता है। और उसके बाद से निकल जा, ये है फिडोन को लगा रखा है। तो खैर आप लोगों ने देखा मेरा सेटअप, कि मैं जो भी वीडियो देता हूं अपने दम पे देता हूं, किसी से भाई मंगा के नहीं देता हूं औरों की तरह। और जिनके पास कुछ है ही नहीं, एक टीवा रखे हैं, किसी से मांगा होगा, और उसके बाद से एक वही भीख में मिला हुआ सेटअप बॉक्स किसी कंपनी का, यही वाला कंपनी होगा, घटिया कंपनी, भीख में मिला हुआ। और इतना बड़ा कैमरा रखे हैं, अब उसी में बस वाह वाह सीना फुला लेते हैं, जैसे मेंढक होता है बरसात में, मेंढक फूल जाता है तो वैसे फूल गए हैं। तो भाई इतना रखते हुए हम अपने आप पे घमंड नहीं करते हैं, हम सीधा सिंपल अपना जो भी है वीडियो देते रहते हैं। तो भाई अब जलन तो होगी कि बंदा, अकेला बंदा इतना मेहनत करता है, इतना वीडियो कैसे दे पाता है, तो उतना हिम्मत होना चाहिए। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा यही मेरा सेटअप है, और यही मेरा छोटा सा सेटअप है जो आप लोगों ने देखा। 6 फीट की छतरी है, उधर ये 4 फीट की छतरी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो 4 फीट की छतरी मैंने खोल के रखी है, देख सकते हैं आप लोग, मैंने खोल के रखा है। अब बाकी इसको मैं दूसरी जगह, मैंने उस दीवार पे मुझे सेट करना है। ये 4 फीट की है, ये 6 फीट की है, देख सकते हो आप लोग। बाकी 90 सेंटीमीटर 2 फीट वगैरह की भी छतरियाँ आप लोगों ने देखी, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो तो अब और भी दमदार आपको मिलने वाली हैं। मैं चाहूँ तो हर एक घंटे पे, हर एक आधे घंटे पे मैं एक चैनल अपडेट में दे सकता हूँ, लेकिन खैर अपना जो टाइमिंग है उसी टाइमिंग पे वीडियो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। बाकी दमदार वीडियोज के लिए हमारा जो सेकेंड चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है चीरहरण वाला, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।